हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। अब हम लोग अपने ऑफिस के सारा ऑफिस स्टाफ हमारा देखे चले वैष्णो देवी जा रहे हैं हम लोग सारे। एक बार जोर से जय माता दी, जय माता दी। मिलते हैं आपसे अभी ट्रेन के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, ट्रेन में है अभी, पहुंचने वाले हैं हम कटरा। आपसे मिलते हैं कटरा स्टेशन पर उतर के एक बारी। देखिए बाहर का व्यू, ये बाहर का नज़ारा, बाहर का नज़ारा देखिए कैसा है। कटरा स्टेशन पहुंचने वाले हैं बस आधे घंटे में और धुंध छाई हुई है पूरे में। अल्टीमेट व्यू, और थोड़ी देर में कटरा स्टेशन पहुंचेंगे, पहुंचने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोदी जी ने क्या बनाया है, स्पेस नया भारत। ये हम पहुँच गए हैं कटरा स्टेशन और यहाँ का व्यू देखिए आप कटरा स्टेशन का। हम लोग पहुंच गए हैं कटरा स्टेशन, अब जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। ये हमारे भाई लोग आगे आगे चलते हुए। ये अखिलेश भैया, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हमारे अरविंद भैया जा रहे हैं जेब में, इनको कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है अरविंद भैया को। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, तैयार हो गए हैं, अब चढ़ाई करने के लिए तैयारी चल रही है। और आपको दिखाते हैं भवन, यहाँ से जहाँ पर हम रुके हैं। ये देखिए भवन, पूरे भवन के देखिए पूरे आपको यहाँ से दर्शन होंगे। अभी ऊपर चल के आपको दिखाएंगे कैसा व्यू है ऊपर का। मिलते हैं आपसे अभी, रास्ते में चढ़ाई करते हुए मिलेंगे आपसे। जय माता दी। ये देखिए फ्रेंड्स, एंट्री के लिए जा रहे हैं। ये एंट्री होगी यहाँ से हमारी, जहाँ से बाणगंगा के लिए चढ़ाई शुरू होती है। अब यहाँ से हम एंट्री करेंगे, उसके बाद चढ़ाई शुरू करेंगे फिर। ये ऊपर देखिए त्रिकुटा पर्वत, जहाँ पर हमें जाना है ऊपर, सबसे ऊपर। ये हमारे अखिलेश भी आगे आगे चल रहे हैं। ये हमारे अखिलेश भैया, ये हमारे ऑफिस के सर हैं हमारे। ये हम एंट्री जा रहे हैं बाणगंगा के लिए। जय माता दी सभी को। हेलो फ्रेंड्स, चल चुके हैं चढ़ाई के लिए, आधा किलोमीटर अभी आए हैं। और अभी देखो हम नए वाले रास्ते से जा रहे हैं पहली बार, देखते हैं कितना। ये कहते हैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ता है अधकुआरी तक। बाकी चलते हैं फिर ऊपर, मिलते हैं एक बारी जैसे होता है। कितने बजे पहुंचते हैं? 11:30 बज चुके हैं अभी नीचे, अब ऊपर देखते हैं किस टाइम तक पहुँचते हैं हम। जय माता दी सभी को। हेलो फ्रेंड्स, 3 किलोमीटर चल के आ गए हैं और यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं सारे मिलके। ये हमारे अजय भैया देखिए कैसे थक गए हैं, ये हमारे अखिलेश भैया और ये हमारे जय भैया, सब थक चुके हैं, सबके इनर वगैरह सब कुछ उतर गए हैं। और अब सोच रहे हैं किसी तरह बस माता रानी आधकुआरी तक पहले बुलाए, फिर उसके बाद सीधा भवन पे बुला ले। चलो आप लोग ही, आप लोग आशीर्वाद बनाए रखो, ऐसे ही हम पहुँच जाएंगे। जय माता दी। ये देखो टनल कैसे बनती है, देखो चश्मा पहना नहीं होगा आपने। देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, बस्ती है ना पूरी। फ्रेंड्स आए हैं, एक भोजनालय पड़ता है, यहाँ फ्री सेवा है, किसी तरह के कोई शुल्क नहीं लगता। यहाँ पे फ्री सेवा यहाँ पे दी जाती है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी गई है ये लंगर की। और यहाँ पे खुद खाओ, खुद बर्तन धो यहाँ पर। ये हमारे अरविंद भी बैठ गए हैं खाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अधकुआरी आ चुके हैं, आधा रास्ता हो गया है, अब आगे भवन के लिए चल रहे हैं हम लोग। जय माता दी। फ्रेंड्स चल रहे हैं ऊपर, भवन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए सूर्यास्त हो रहा है हमारे सामने, ये कैसे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, माँ के भवन पहुँच चुके हैं, देखिए क्या सुंदर नज़ारा है माँ के भवन का। अभी अंधेरा हो रहा है तो साफ नज़र नहीं आ रहा, अभी हम पास जाके बनाते हैं बस, और 5 मिनट में भवन में पहुँच के आपको दर्शन कराते हैं भवन के। जय माता दी। फ्रेंड्स पहुँच गए हैं भवन में, ये देखिए क्या सुंदर नज़ारा है भवन का, इसकी शोभा देखते ही बनती है। दरबार की अंदर तो जाने नहीं देंगे, आप दरबार के दर्शन कर सकते हो। ये अभी यहाँ पर
पार्वती भवन नया बनाया है, ये भी आप देख सकते हो। पार्वती भवन नया उद्घाटन करा है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये पीछे का भवन का नज़ारा देखिए मेरे साथ। तो भीड़ कोई खास नहीं है आज, जैसे कोई रश होता है ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। बाकी तो जाएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं दर्शन करके। माता रानी के बहुत सुंदर दर्शन हुए और अब जा रहे हैं कुछ खाने के लिए। और हम तो नीचे जाएंगे, भैरव जी के बाहर से पत्थर देख लेंगे, मगर हमारे दो ब्रदर हैं वो जाएंगे ऊपर दर्शन करने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे एक बार भोजनालय में। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, उतर रहे हैं नीचे। कटरा रह गया है 1 किलोमीटर, और उसके बाद रूम में पहुंच के हालत हो गई एकदम पस्त, दर्द के मारे बुरा हाल हो गया, पैरों का दर्द हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब रूम में पहुंच के एक बारी फिर आपसे अपडेट करते हैं। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, आ गए हैं रूम में, थक गए हैं बहुत बुरी तरीके से, पैर टूट रहे हैं और अब बस सोएंगे। रात के बज रहे हैं 4, मतलब सुबह के 4 मान लो। अब सोएंगे 2-4 घंटा, फिर उसके बाद अपना दिल्ली के लिए नेक्स्ट डे हमने वापसी करनी है। जय माता दी। लंच हो गया है और अब हम प्रसाद लेंगे। प्रसाद लेने के बाद हमारी दोपहर 3 बजे की ट्रेन है वंदे भारत, फिर हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। अब मिलते हैं ट्रेन में आपसे। जय माता दी। हेलो फ्रेंड, ट्रेन आ गई है, इसी से हम वापसी दिल्ली अभी आएंगे। ये वंदे भारत के लिए इसकी एंट्री हो गई अभी, वंदे भारत की, इसी में हमारी सीट है। रात को 11 बजे हम दिल्ली पहुँचेंगे। मिलते हैं आपसे अभी ट्रेन के अंदर। आपको ट्रेन का व्यू दिखाते हैं आपको कैसी है। मैं तो फर्स्ट टाइम बैठूंगा इसके अंदर वंदे भारत में। जय माता दी। हेलो, गए थे रात को घर पे, लेट हो गए थे, ट्रेन लेट हो गई थी अब वैष्णो देवी से, और अब मैं जा रहा हूँ ऑफिस। दोपहर में आएंगे, कन्या पूजन करनी है दोपहर में, फिर उसके बाद कन्या पूजन के बाद आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हम घर में आके कंचके करते हैं, तो कन्या पूजन कर रहे हैं। और देखिए कन्या अब क्या करने जा रही हैं, सारी की सारी तो सारी देवियाँ हैं। जयकारे लगा रही हैं कन्याएं, सारी सारी देवियां। जय माता दी। हेलो फ्रेंड्स, सब फ्री हो गए हैं, तबीयत खराब हो गई थी अब वो भी ठीक हो गई है, और कन्या पूजन वगैरह सब कुछ हो गया है। तो आज हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। ये हमारे बच्चे देखो लगे पड़े हैं कोई फ़ोन में कोई टीवी में, और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।